यस्टरडे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, टुडे रेट्रो डिवाइस. इसका मतलब ये है कि कल का जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है आज के लिए वो कचरा है. ये क्यों है? हमको जैसे ही हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमको और सोफिस्टिकेटेड और न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए. लेकिन एक चीज़ है जो इस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को रोकता है, वो है मटेरियल. जो भी हो, कुछ भी टेक्नोलॉजी मोर डेवलप होने के लिए उसका मेन कॉन्स्टेंट होता है मटेरियल. क्योंकि मटेरियल ही वो चीज़ है जिसको न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए रोकता है. इसलिए हमको एक नया और मोर सोफिस्टिकेटेड मटेरियल चाहिए, अगर हमको एक मोर परफेक्ट टेक्नोलॉजी भी चाहिए तो. लेकिन आपने देखा है तो एक नया एलॉय या मटेरियल बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इतने ज़्यादा एलिमेंट्स है और इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन है कि वो बस की बात भी नहीं. तो तब क्या करें? इसका बेस्ट मेथड है कि हम नेचर से इंस्पिरेशन करें. जो डिज़ाइन प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो पहले ये होता है कि कितना एनर्जी हम यूज़ करें उसको लेकर हम डिज़ाइन करते हैं. लेकिन अगर नेचर में देखें तो ऐसा नहीं होता. वो पहले अपना एनवायरनमेंट को देखता है, मतलब उससे इंफॉर्मेशन लेकर ये सोचता है क्या कैसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे मुझे द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिले. इसलिए वो इस सब एनवायरनमेंट के कंडीशन फोर्स सब कुछ कंसिडर करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो जो भी हो उसमें मटेरियल बहुत कम हो लेकिन स्ट्रॉन्ग भी बड़ा हो. सो हम भी उसी टेक्निक से, मतलब नेचर के तरह ही अब डिज़ाइन करना बहुत ही बेस्ट है. और भी एक है, और एक यूज है हायरार्की. नेचर में भी ये हायरार्की यूज होती है. हायरार्की मतलब एक अलग अलग लेवल्स में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हैं. अगर आपने देखा है तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है एयरक्राफ्ट विंग. अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सारे चीज को डिमांड करते हैं. पहले ग्लोबल रिक्वायरमेंट है कि इसका वेट जितना भी हो कम हो. अगर और एक कुछ जाएंगे, इनसाइड हॉलो होना चाहिए ताकि मैं उसमें फ्यूल भरूँ, और फ्रंट का जो पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए ताकि एयर के फोर्स को थोड़ा सह सके. पीछे की उतना स्ट्रांग भी ज़रूरत नहीं. तो इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, आप सोच सकते हैं कि एक मटेरियल और एक शेप से पॉसिबल है? बहुत मुश्किल. इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको हायरार्की बना सकते हैं. मतलब एक एक लेवल पर हम एक एक स्ट्रक्चर या शेप डालेंगे ताकि हम उस पर अपना रिक्वायर्ड जो लोकल है उसको मीट करेंगे और फाइनली ग्लोबल में भी मीट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं हायरार्की. और इसको करने में अगर आप सोचें एक मटेरियल है वो बहुत मुश्किल है, मतलब एक मटेरियल से पूरा सब कुछ करना मुश्किल है, वो भी सिंपल शेप. इसलिए इसको बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं मेटा मटेरियल्स. वन ऑफ द बेस्ट मेटा मटेरियल TPMS जो आप इस स्ट्रक्चर में यूज़ देख सकते हैं. सो इस TPMS को हम अपने उसकी टोपोलॉजी को बदल सकते हैं ताकि हमको जैसे ही प्रॉपर्टीज चाहिए उसे बना सकते हैं. और इसमें आप ठीक तरह देख सकते हैं TPMS लाइक गायरॉयड और प्रिमिटिव. इसका मेजर एडवांटेज अगर और कोई लाइक मेटा मटेरियल्स हो जैसे कि ट्रस बेस्ड, इसका मेजर एडवांटेज है कि इसका कर्व शेप और इजी टू कंट्रोल टोपोलॉजी. जो जैसे ही आपको कैसे भी स्ट्रेंथ चाहिए उसको आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं. इस स्लाइड में देख सकते हैं हम इसको कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम अपना जो भी रिक्वायरमेंट हो इसे अचीव कर सकते हैं. इसका मेन एडवांटेज है कि आप सिर्फ एक ही मटेरियल से आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि आप यूज़ वेरिएबल डेंसिटी उससे या अलग कोई मेथड यूज़ करके उसकी स्ट्रेंथ भी वेरी कर सकते हैं पूरे कॉम्पोनेंट में, अगर और सिर्फ एक ही मटेरियल को यूज़ करके भी. और अब देखें तो ये TPMS को बनाने में CAD सॉफ्टवेयर से बनाना बहुत मुश्किल है. इसलिए एक सॉफ्टवेयर लैटिस कारक, उसका भी वीडियो लिंक है. अगर उससे तो देखेंगे तो सिर्फ वो TPMS स्ट्रक्चर देगा. लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है कि आपके पास फाइनल शेप होता है, आप इसमें TPMS को देना पड़ता है, मतलब उसको इनफिल करना पड़ता है. इसीलिए ये सॉफ्टवेयर है स्कैफोल्ड जनरेटर. ये क्या करेगा कि अगर आपके पास वो फाइनल शेप है उसको ले सकते हैं STL फाइल, और उसमें आपकी जो मर्जी वो TPMS चाहिए उसको इनफिल कर सकते हैं. ये सॉफ्टवेयर इतना आसान है कि सिंपल सिर्फ आपको उस STL फाइल जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसको ले सकते हैं, उसमें डालना है, और जो जैसे TPMS को चेंज करना चाहिए वो भी चेंज लेकर उसको रन करना है, तब ऑटोमेटिकली ये आपको फाइनल शेप दे सकते हैं. इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि कितना भी कॉम्प्लेक्स शेप, लेकिन जैसे कि वो स्टैनफोर्ड बनी बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप, उसको भी आप TPMS में इनफिल कर सकते हैं. और इसका मेजर एडवांटेज है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री है. सो आप इसमें देख सकते हैं कि स्कैफोल्ड जनरेटर लाइक UI वेरी इजी टू यूज़ भी, और इसमें आपको बहुत सारे भी कंट्रोल मिल सकते हैं जैसे कि कितना सेल साइजेस है, और एक जैसे कि उसकी डेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारे शेप्स भी अवेलेबल है जिससे आपको
पूरा कंट्रोल होगा जिस टाइप किस टाइप की टीपीएमएस आपको किस स्ट्रक्चर में भी चाहिए। तो अभी आप स्कैफोल्ड जनरेटर का यूए देख रहे हैं, सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, लोड एसटीएल बटन मार के जो भी एसटीएल फाइल, जो भी कितना भी कॉम्प्लेक्स हो आप उसको लोड कर सकते हैं, क्योंकि एसटीएल फाइल है मैक्सिमम हर चीज़ का मिल जाएगा सो आपको, लेकिन ये इनपुट भी सिर्फ एसटीएल फाइल लेता है। वंस आपने इसको लोड कर लिया, मतलब जैसे ये लोड हो गया आपको पिक्चर भी दिखाएगा, मतलब क्या ऑब्जेक्ट लोड हुआ है। सो आप देख सकते हैं इसमें और भी ज़्यादा फीचर्स है, लाइक सिंपल वेरिएबल डेंसिटी, सेल साइज ग्रेडिंग, इससे आप जो चाहिए ऐसे बना सकते हैं। तो ये है हमारा लोड हो गया। अब हमको क्या चाहिए कि सिर्फ जो हमारा TPMS है वो सिर्फ इस सॉलिड के अंदर ही फिल हो, वो कैविटी में नहीं फिल हो। सो इसलिए जब ऐसे चाहिए तब स्कैफोल्ड जनरेटर परफेक्टली आपको काम करेगा। सो ऐसे जब आपने लोड हो गया तब आप यहाँ आपको जैसे चाहिए, मतलब जैसे पैरामीटर्स चाहिए उसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कितने चाहिए सेल्स और क्या क्या अलग TPMS चाहिए उसको ले सकते हैं, और डेंसिटी भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने ले लिया तब आप एक बार प्लॉट बटन करेंगे तब सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि सिर्फ जहाँ सॉलिड ऑब्जेक्ट है वही आपको ये TPMS डालेगा, जहाँ भी कैविटी है वहाँ TPMS नहीं बनेगा, सभी वो बना रहा है पूरा, मतलब जो भी इस आपने STL फाइल रहा है इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स STL फाइल हो आप ले सकते हैं, तभी हो गया। आप देख के तो मतलब जहाँ कैविटी है, जो टोरस का बीच जहाँ कैविटी है उसमें कोई फिल नहीं, सिर्फ जहाँ सॉलिड ऑब्जेक्ट है वही TPMS फिल हो गया। सो इसके बाद आप अभी इसको फिर मतलब 3D प्रिंटिंग के लिए उसमें तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक बार एक्सपोर्ट बटन किया, मतलब ये सॉफ्टवेयर सिर्फ STL में कन्वर्ट, मतलब STL में एक्सपोर्ट कर लेगा, लेकिन STL से आपको 3D प्रिंटिंग में तो डिफेक्टो फाइल है तो ऑटोमेटिकली आपको डाल सकते हैं। सो ले लिया एक बार और आपको सेव कर सकते हैं, लाइक TPMS टॉरस, जैसे ही आपने सेव किया देखिए यहाँ आ गया बस। सो इसका एडवांटेज है कि आप जो भी स्ट्रक्चर चाहिए उसको लेकर काम कर सकते हैं।